हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान कलश में। आज हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है रिजल्ट से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि आपका जो रिजल्ट आता है सेमेस्टर में, रिजल्ट जो आया भी है सेमेस्टर में, तो उसमें जो CGPA आपको पता चला है, वह CGPA का मतलब क्या है। जो CGPA आपको पता चला है, उस CGPA से आप परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, है ना, परसेंटेज कैसे निकालेंगे। और यहाँ पे आपको जो ग्रेड पॉइंट मिला हुआ है, इसका क्या मतलब है, कैसे आपका CGPA निकाला जाता है, ये ग्रेड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, ये क्रेडिट असाइंड आपको जो किया गया है ये कहाँ से मिला है, ये ग्रेड पॉइंट आपको जो ऑब्टेंड यहाँ दिखा रहा है, ग्रेड ऑब्टेंड ये कैसे निकलता है, इन सब जो है कुछ चीज़ों पर हम लोग आज बात करेंगे इस वीडियो में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि आपके जो रिजल्ट आया है वो किस किस सब जो आप जितने भी सब्जेक्ट लिए हैं, जैसे मेजर सब्जेक्ट है आपके, जैसे ये साइंस के स्टूडेंट का है मार्कशीट, तो मेजर में 3 सब्जेक्ट है ना, और स्किल डेवलपमेंट और को करिकुलर, इतने सब्जेक्ट को सम्मिलित किया गया है रिजल्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखना है कि एक एक चीज़ देखते हैं कि ये क्रेडिट असाइंड कहाँ से आया है, ये क्रेडिट जो लिखा हुआ है ये असाइन किया गया है ये कहाँ से आया है। ये देखिए, ये पहले से ही आपको क्या किया गया है, प्रोवाइड कर दिया गया है यूनिवर्सिटी द्वारा, ये आपके पहले से ही प्रोवाइड है। कहाँ है ये, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, मेरे पास यहाँ पे जो भूगोल का है, ज्योग्राफी का जो मेरे पास यहाँ पे जो सिलेबस है उसका स्क्रीनशॉट है, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे हर एक ईयर के हिसाब से और हर एक सेमेस्टर के हिसाब से जो भी आपका पेपर है ना, उसके लिए क्रेडिट असाइन किया गया है। जैसे अगर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए देखेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में ज्योग्राफी में 2 पेपर हैं, एक थ्योरी का है और एक कैसा है प्रैक्टिकल का, तो यहाँ पे थ्योरी के लिए कितना क्रेडिट असाइंड है 4, और प्रैक्टिकल के लिए कितना क्रेडिट असाइंड है 2, है ना। तो टोटल अगर अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ज्योग्राफी का क्रेडिट देखेंगे तो कितना असाइन हो जाएगा, 6 क्रेडिट होगा टोटल, ठीक है ना। अब थ्योरी के लिए भी जो पेपर होता है, थ्योरी का जो पेपर होता है टोटल कितने का होता है, 100 का होता है, जिसमें 25 मिड टर्म का होता है और 75 जो है मेन पेपर होता है। ऐसे ही प्रैक्टिकल के लिए भी है, प्रैक्टिकल के लिए भी जो पेपर है वो कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे देखें, तो यहाँ पे जो आपको क्रेडिट दिए गए हैं ये क्रेडिट आपको पहले से ही हर जो सेमेस्टर है उसके पेपर के हिसाब से क्रेडिट असाइन किया गया है, ठीक है। तो जो भी थ्योरी के पेपर हैं उनके लिए 4 क्रेडिट, और जो प्रैक्टिकल का पेपर है उनके लिए 2 क्रेडिट असाइन किया गया है। तो यहाँ पे हमने समझा कि ये जो क्रेडिट यहाँ पे असाइन करके आ रहा है, ये क्रेडिट कहाँ से आया है, ठीक है। तो ये क्रेडिट जो यहाँ पे ये क्रेडिट असाइंड है, ये क्रेडिट आपको पहले से ही सिलेबस में दिया गया है। फिर आप आगे देखते हैं, यहाँ पे अगला है ग्रेड पॉइंट ऑब्टेंड, ठीक है। ये जो ग्रेड पॉइंट ऑब्टेंड है ये कहाँ से आया है ना, ये ग्रेड पॉइंट कहाँ से ऑब्टेंड किए हैं, आप कैसे पता चला है आपको, तो इसके लिए यहाँ पे एक टेबल दी गई है, ये आप देखेंगे ध्यान से, है ना। यहाँ पे आप एक ये टेबल ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दिए गई हैं, जिनको ध्यान से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें देखिए यहाँ दिया गया है कि अगर कोई नॉन क्वालिफाइड है किसी सब्जेक्ट में तो उसमें नॉन क्वालिफाइड लिखा होगा, है ना, क्यों लिखा है तो क्वालिफाइड है, ठीक है। अगर वह सब्जेक्ट केवल क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड है, उसका नंबर नहीं जोड़ना है, तो उसमें केवल नॉन क्वालिफाइड और क्वालिफाइड लिखा होगा, ठीक है। जैसे इसमें देखिए कि को करिकुलर और फूड एंड न्यूट्रिशन में इसका नंबर नहीं जुड़ना है, तो यहाँ पे केवल क्या है, क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये नॉन क्वालिफाइड है ना, क्वालिफाइड होते तो क्वालिफाइड लिखा होता। अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई अब्सेंट है तो अब्सेंट है, अगर किसी का जो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो रेंज ऑफ मार्क्स है, यह एक्चुअल में क्या होता है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, क्या होता है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अभी हम देखेंगे कैसे निकलता है यह रेंज ऑफ मार्क्स। तो अगर कोई 0 से 32% सब्जेक्ट वाइज, जैसे यहाँ पे जो ग्रेड दिए गए हैं वो सब्जेक्ट वाइज ग्रेड दिए गए हैं ना, जैसे केमिस्ट्री में C ग्रेड है इनका, बॉटनी में A ग्रेड, मतलब इनको थ्योरी में कितना ग्रेड मिला है, C ग्रेड मिला है, और प्रैक्टिकल में कितना ग्रेड मिला है, A ग्रेड मिला है, ठीक है। तो ये जो ग्रेड है हर एक सब्जेक्ट में हर एक पेपर में अलग अलग दिया,
तो ये ग्रेड कैसे है, परसेंटेज आप मार्क्स उस सब्जेक्ट में आपने जितने प्राप्त किए हैं उसके हिसाब से आपको ग्रेड दिया गया। अगर किसी का परसेंटेज आप मार्क्स 0 से 32 के बीच में है किसी सब्जेक्ट में, तो उसको कितना ग्रेड मिलेगा, उसको ग्रेड जो मिलेगा वो मिलेगा एफ, है ना। और एफ ग्रेड वो लेटर ग्रेड होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो लिखा है ये कैसा ग्रेड है, लेटर ग्रेड। ए बी सी डी जो होता है वो क्या होता है, लेटर ग्रेड होता है। ये देखिए यहाँ पे लेटर ग्रेड। और जो ग्रेड पॉइंट है वो ग्रेड पॉइंट नंबर्स में होगा। तो नंबर्स में जैसे जो फेल हो गया है उसको 0 ग्रेड पॉइंट मिलेगा। और जैसे मान लीजिए अगर कोई 33 से 40% पाता है किसी सब्जेक्ट में, तो उसका जो ग्रेड लेटर ग्रेड होगा वो क्या होगा, पी होगा। यहाँ पे देखिए ये लेटर ग्रेड पी है। और उसको जो ग्रेड पॉइंट मिलेगा 4 मिलेगा। ऐसे ही 41 से 50 के बीच में जो है उसके लिए लेटर ग्रेड 6 सी है। और उसको जो ग्रेड पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अगर किसी का किसी सब्जेक्ट में 51 से 60% है तो उसको जो लेटर ग्रेड मिलेगा बी मिलेगा। और जो ग्रेड पॉइंट मिलेगा सी 6 मिलेगा। ऐसे ही आप देखते जाएंगे। तो यहाँ 61 से 70 के लिए जो लेटर ग्रेड है वो बी प्लस है, और ग्रेड पॉइंट है वो क्या है, 7 है। 70 to 80 के लिए जो लेटर ग्रेड है ए है, और ग्रेड पॉइंट 8 है। 81 to 90 के लिए लेटर ग्रेड ए प्लस है, और ग्रेड पॉइंट 9 है। और रे जो 91 to 100% के बीच में मार्क्स है उसके लिए लेटर ग्रेड क्या है, ओ है। और ग्रेड पॉइंट कितना है, 10 है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ये ग्रेड पॉइंट ये जो इन्होंने निर्धारित कर दिया है कैसे निर्धारित किया है, या ये परसेंटेज जो है कैसे निकलेगा सब्जेक्ट का। तो एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पे हम लोग समझेंगे, जो कि इसी मार्कशीट से ही उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे केमिस्ट्री का ही उदाहरण लेते हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री है ना, मेजर सब्जेक्ट केमिस्ट्री। उसका एक थ्योरी पेपर है और एक क्या है, प्रैक्टिकल पेपर। ये थ्योरी कितने का होगा, मान ये केमिस्ट्री है, मान लीजिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट में थ्योरी एक पेपर है, एक पेपर प्रैक्टिकल है। थ्योरी भी कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का। प्रैक्टिकल कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का। टोटल अगर मार्क आप जोड़ेंगे तो दोनों 100 100 नंबर का होगा। अब मान लीजिए कि थ्योरी में कोई बच्चा है, उसने 100 में से कितना प्राप्त किया, मान लीजिए वो 60 प्राप्त किया। और प्रैक्टिकल में मान लीजिए वो 70 प्राप्त किया, है ना। थ्योरी में वो 100 में टोटल जो मिड टर्म और मेन पेपर मिला के प्राप्त किया वो कितना प्राप्त किया, 60 100 में। और केमिस्ट्री में मिड टर्म और मेन पेपर का मिला के वो 70 प्राप्त किया। तो अब इसमें क्या करेंगे, आप इसका परसेंटेज निकालेंगे, है ना। तो आप परसेंटेज निकालिए एज इट इज। इसमें आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए थ्योरी का परसेंटेज निकालना है आपको, तो क्या करेंगे आप, जितना उसने मार्क्स पाया है बटे जितने टोटल मार्क्स है, तो गुणे 100 कर देंगे, है ना। तो एक्चुअल में उतना ही जितना नंबर पाएगा वही उसका परसेंटेज होता जाएगा। तो ये 60% क्या किया, प्राप्त किया किसमें, थ्योरी में। तो केमिस्ट्री के थ्योरी पेपर में कितना प्राप्त किया, 60%, या 60 नंबर, वही 60% और नंबर सेम हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकल के लिए निकालेंगे तो कैसे होगा, प्रैक्टिकल का अगर आपको परसेंटेज निकाला है, प्रैक्टिकल में 70 नंबर पाया है, कितने में पाया है, 100 में पाया है। 100 से गुणा करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो 70% ही होगा। तो जो मार्क्स आपका मिला है वही आपका क्या है, परसेंटेज भी है उस सब्जेक्ट का, है ना। अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे थ्योरी का कितना निकालिए, 60% मार्क्स उसने पाया है थ्योरी में। अब देखिए, अब यहाँ पे जो थ्योरी में 60% पाया है, तो आप आपको यहाँ पे देखना है रेंज ऑफ मार्क्स। तो रेंज ऑफ मार्क्स में देखेंगे कि 60 कहाँ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 51 to 60, 51 to 60 के बीच में जो भी नंबर होगा जिसका, उसके लिए ग्रेड क्या होगा, बी होगा। तो अगर यहाँ पे देखिए 60 है तो क्या लिखा जाता, यहाँ केमिस्ट्री है, यहाँ थ्योरी है ना। क्रेडिट तो थ्योरी के लिए 4 पहले से ही बता दिए हैं यूनिवर्सिटी ने। अब यहाँ पे जो ग्रेड लेटर वाला मिलेगा वो इस 60 के लिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बी लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 51 to 60 के बीच में नंबर है। और इसके लिए जो ग्रेड पॉइंट असाइन होगा बी के लिए वो क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। तो ग्रेड पॉइंट बी और ग्रेड पॉइंट लेटर वाला बी हो गया, और उसके लिए जो असाइंड पॉइंट है वो क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो
तो जैसे यहाँ पे जो इनके लिए असाइन किया गया है उससे आप अगर समझने का प्रयास करें, तो जैसे इनको जो यहाँ पे ग्रेड ऑब्टेंड दिखाया गया है वो थ्योरी में कितना दिखाया गया है, सी दिखाया गया है। तो सी दिखाने का मतलब है कि वो इस रेंज में है। यहाँ पे जो उन्होंने थ्योरी में मार्क्स पाए हैं वो 41 से लेकर के 50 के बीच में है। एक्चुअल में जो थ्योरी में उन्होंने नंबर प्राप्त किया है वो 41 से 50 के बीच में प्राप्त किया है। 41 से 50 के बीच में प्राप्त किया है तो उनके लिए ग्रेड लेटर वाला क्या है, सी है। यहाँ देखिए सी लिखा है। और ग्रेड पॉइंट क्या है, 5 है। यहाँ पे ग्रेड पॉइंट 5 लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। अब दूसरा इसी में एग्जांपल समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल भी है, तो प्रैक्टिकल के लिए क्रेडिट 2 पहले से उन्होंने निर्धारित किया है, ये यूनिवर्सिटी पहले से ही निर्धारित किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर इनको 8 ग्रेड पॉइंट मिला है और उसके आगे ए लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि इनको कितना नंबर मिला होगा, वो कैसे पता चलेगा। तो आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाले सेक्शन में, मतलब इनको ए मिला है लेटर वाला, यहाँ लिखा हुआ है 8 मिला है ये। तो मतलब इन्होंने जो प्रैक्टिकल में नंबर पाया है केमिस्ट्री के, तो केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल में नंबर पाया है इन्होंने 71 से लेकर के 80 के बीच में नंबर पाया है ना। मतलब इससे नंबर भी पता चल रहा है आपको कि किसके रेंज में आपने नंबर प्राप्त किया है। तो प्रैक्टिकल में 71 to 80 पाए हैं और थ्योरी में 41 to 50 पाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से पहले क्या निकाले होंगे, जैसे आपकी कॉपी चेक होती है, तो जब कॉपी चेक हुई होगी, मान लीजिए इनकी, तो मान लीजिए इनकी थ्योरी की कॉपी चेक हुई, जब थ्योरी की कॉपी चेक हुई तो इनको मान लीजिए मिला 45 मार्क्स, 45 नंबर पाया इन्होंने 75, जो 75 या जो 100 टोटल मिड टर्म का मिला के इन्होंने 45 नंबर पाया 100 में। अब जब इन्होंने 45 नंबर पाया तो वो देखेंगे कि ये 45 किसके रेंज में है, तो देखेंगे 41 to 50 के रेंज में है 45। तो जब 45 41 to 50 के रेंज में है तो इनको जो लेटर ग्रेड असाइंड हुआ वो क्या हो गया, सी हो गया। और जो ग्रेड इन्होंने ऑब्टेन किया तो सी का जो ग्रेड है वो क्या है, 5, तो 5 लिख दिया। ऐसे ही जब प्रैक्टिकल की कॉपी चेक हुई होगी तो प्रैक्टिकल में मान लीजिए इनको नंबर 77 मिला, तो 77 नंबर मिला तो देखे होंगे कि ये किस रेंज में है। तो जब किस रेंज में देखेंगे तो 71 to 80 के बीच में आएगा। जब इसके बीच में है तो इनके लिए जो ग्रेड लेटर असाइंड हुआ वो ए हुआ, और जो ग्रेड पॉइंट असाइंड हुआ वो क्या हुआ, 8 हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से पहले कॉपी जचती है, आपका नंबर आता है और उस नंबर के हिसाब से आपको लेटर ग्रेड और ग्रेड पॉइंट क्या होता है, असाइन किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि सीजीपीए आपका कैसे निकलता है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट के लिए किया जाएगा और हर सब्जेक्ट के लिए पहले कॉपी चेक होगी, आप जितना नंबर पाएंगे उस नंबर के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो ग्रेड पॉइंट और लेटर ग्रेड असाइंड होगा उस नंबर के हिसाब से, ठीक है ना। मान लीजिए कोई 100 में से 90 नंबर पा गया तो क्या होगा, अगर कोई 90 नंबर पा जाएगा तो 90 वाला किस रेंज में है, यहाँ देखिए इस वाले रेंज में है ना, तो 81 to 90 के बीच में है 90 वाला। उसके लिए जो ग्रेड होगा वो क्या होगा, 9 होगा, और ग्रेड लेटर ग्रेड क्या होगा, ए प्लस होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई ए प्लस प्राप्त नहीं किया है इन्होंने, उसके लिए नहीं है, ठीक है। तो आपका पहले कॉपी चेक होता है, उसके हिसाब से आपके लिए ग्रेड और लेटर ग्रेड जो है साइन होता है। अब क्या करते हैं, जब आपके सारे कॉपी चेक होने के बाद जो ग्रेड पॉइंट जब आप प्राप्त कर लेंगे सबका, तो आप क्या निकालते हैं, टोटल ग्रेड पॉइंट। ये टोटल ग्रेड पॉइंट कैसे निकलता है, देखिए टोटल ग्रेड पॉइंट जो निकलता है वो आपको जो क्रेडिट असाइन की गई है उस सब्जेक्ट में, जो क्रेडिट आपको असाइन की गई है उसी में किसका गुणा कर देते हैं, उसी में ग्रेड पॉइंट उस सब्जेक्ट में आपने जितना प्राप्त किया है, तो क्रेडिट गुणे ग्रेड पॉइंट। जो यहाँ पे ये क्रेडिट है और ये जो ग्रेड पॉइंट है, इन दोनों को क्या करते जाते हैं, गुणा करते जाते हैं, और उसी से आपको ये मिलता जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री के थ्योरी के लिए जो ग्रेड जो क्रेडिट है वो कितनी है, 4 है, क्रेडिट 4 है। इन्होंने प्राप्त कितना किया है, ग्रेड ग्रेड प्राप्त किया है 5, तो 4 into 5 किया कितना आ गया, 20 आ गया। ऐसे प्रैक्टिकल के लिए क्रेडिट कितना असाइन है, 2। प्राप्त कितना किया इन्होंने, ग्रेड पॉइंट 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60।
तो ऐसे ही ये टोटल ग्रेड पॉइंट क्या होता जाता है, मिलता जाएगा आपके सब्जेक्ट का जितना क्रेडिट है और आपने जितना ग्रेड पॉइंट प्राप्त किया है ना, उस दोनों का गुणा करते जाएंगे तो टोटल ग्रेड पॉइंट मिलता जाएगा। अब इस टोटल ग्रेड पॉइंट को आप क्या कर देंगे, ऐड कर दिया जाएगा। इस टोटल ग्रेड पॉइंट को ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड करने पर कितना आ गया, 134। ये जितना आपको मिला था उसको ऐड किया, और ये जो टोटल क्रेडिट थी इसको भी ऐड कर दिया, तो ये कितनी क्रेडिट हो गई, 22। इन सब को जोड़ देंगे तो 22 आपका क्रेडिट आ गया और टोटल ग्रेड पॉइंट कितना आ गया, 134 आ गया। अब 134 आपका टोटल ग्रेड पॉइंट हो गया, तो इससे फिर CGPA कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पे जो CGPA निकला हुआ है, जिसका फुल फॉर्म होता है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, क्या होता है, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ये जो CGPA निकला है, यह निकला है आपका जो टोटल टोटल ग्रेड पॉइंट ऑब्टेंड है, ऑब्टेंड ये वाला जो टोटल ग्रेड पॉइंट मिला है 134, इसमें किसका भाग दे दिए हैं, क्रेडिट जितनी टोटल थी, टोटल क्रेडिट से भाग दे दिए, टोटल क्रेडिट। तो ये कैसे, यहाँ पे देखिए ये 134 आपको मिला है क्या, टोटल ग्रेड पॉइंट 134 बटे क्रेडिट जितनी थी 22, इसमें जब भाग दे देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये जो आपको GPA और CGPA लिखा है ये कितना है, 6.091, भाग देने पे इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, CGPA है जो आपको इस सेमेस्टर में मिला है, इनको मिला है। अब इस CGPA से आपको परसेंटेज निकालना है, तो आप क्या करेंगे, तो इस CGPA से परसेंटेज निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक नंबर है जिससे आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे आप एक नंबर से, जो नंबर क्या है, 9.5। तो ये जितना इनका CGPA है ना, मतलब आपको जो CGPA है उस CGPA में 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो जैसे 9.5 इंटू इनका जो CGPA है 6.091, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको दशमलव का गुणा आना चाहिए इसके लिए, तो इसमें दशमलव का गुणा कर लीजिए तो आपका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे निकल जाएगा कि आप कितना परसेंटेज पाए हैं, है ना। तो परसेंटेज निकाल लीजिए ना, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 45 का 5 4 बचा, 5 0 4, 5 6 टाइम्स जाएगा 30, फिर 9 से गुणा करेंगे, 9 1 9, 81 का 1 8 आएगा, फिर यहाँ पे 8 आएगा, फिर 54 है ना, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे आप, 5 ये हो जाएगा 14 का 1, 5 5 6 8, 4 3 7 और 5, तो अब दशमलव लगा देंगे, कितने अंक, 3 अंक इधर है, 1 अंक इधर है, तो 4 अंक बाद, 2 2 4, तो कितना आ गया, 57.86। इनका जो परसेंटेज आया वो कितना है, 57.86% आया। ठीक है, परसेंटेज इतना आया इनका, लेकिन यहाँ पे जो डिवीजन है, वो जो डिवीजन का निर्धारण होगा वो ग्रेड पॉइंट से ही होता है, ये जो CGPA है उसी से ही डिवीजन का भी निर्धारण होता है यहाँ। तो डिवीजन कैसे यहाँ पे निर्धारित होगा, देखिए यहाँ पे जो CGPA है आपका और आपने जितना प्राप्त किया है उसके हिसाब से, अगर कोई 4 to 5 CGPA प्राप्त करता है तो वो पास हो गया है ना, अगर कोई 5 से 6.50 CGPA प्राप्त करता है तो वो सेकेंड डिवीजन कहलाएगा, अगर कोई 6.5 से 8 तक प्राप्त करता है तो वो फर्स्ट डिवीजन कहलाएगा, अगर 8 से 8+ CGPA है जिसका, 8 से लेकर के 10 तक में ना, तो वो कितना होगा, फर्स्ट डिवीजन विथ डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन।
इनका जैसे CGPA कितना है, 6.091, तो 6.091 इस कैटेगरी में आ रहा है। तो कौन से डिवीजन में है ये, सेकंड डिवीजन में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका CGPA का निर्धारण होता है। सबसे पहले आपकी कॉपी चेक होगी, नंबर असाइंड होगा, उस नंबर के हिसाब से यहाँ पे रेंज दिया गया है, उसके हिसाब से आपको ग्रेड पॉइंट मिलेगा। फिर जो क्रेडिट पहले से निर्धारित है उसको ग्रेड से गुणा करके टोटल ग्रेड पॉइंट मिलेगा, टोटल ग्रेड को जोड़ करके पूरा जोड़ देंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी, टोटल क्रेडिट जोड़ देंगे ये वैल्यू आएगी, इस टोटल ग्रेड पॉइंट में टोटल क्रेडिट का भाग देंगे तो आपका CGPA निकल जाएगा। और आप CGPA में फिर 9.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा, तो जितना CGPA मिला है उसके हिसाब से आपका डिवीजन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है ये कुछ शॉर्ट छोटे से वीडियो में समझा, है ना। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।